एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना एक वीडियो ख़त्म किया, और ख़त्म किया मतलब मैं एक साड़ी कलेक्शन का मैं वीडियो बना रही थी, और शाम दोपहर के बाद से मैंने वो वीडियो शुरू किया, और मुझे 1.5 घंटे लगे वीडियो बनाने में। और उसके बाद ये देखिए, पूरा साड़ी मेरे बेड पर फैला हुआ। इसी का मैंने जैसा अपना कलेक्शन दिखाया, अपने हैबी जो पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं उसी की मैं वीडियो बना रही थी, तो वो ख़त्म हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ब्लॉग के लिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ, तो वही मैंने स्टार्ट किया। तो वही आप लोगों के साथ मैं अभी कर रही हूँ। तो बस शाम हो चुका है, तो वीडियो बनाने के वीडियो तो बन गया, पर पूरा बेड मेरा फैल चुका है और इसको सब समेटना है। तो चलिए आप लोग के साथ वीडियो भी बनाते हैं, आप लोग भी देखिए मेरा ब्लॉग वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं अपनी सारी साड़ियों को फोल्ड कर रही हूँ। ये जो आप बैग देख रहे हैं, साड़ी बैग है, उसी में मैं अपनी साड़ियों को रखती हूँ फोल्ड करके। जो हैवी साड़ियाँ होती है, जो मैं बहुत कम रेयर ही पहनती हूँ, तो उन्हें ही इस बैग में रखती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे सब साड़ियों को जल्दी जल्दी फोल्ड कर रही हूँ, और उसके साथ मैं जो उसके मैचिंग ब्लाउज होते हैं मैं उसी के साथ उसमें रख देती हूँ, ताकि जब भी मुझे साड़ियाँ पहननी हो तो मुझे ब्लाउज खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस उसी को मैं अच्छे से फोल्ड करके इन साड़ियों में रख दूँगी। बस ये सब मेरी पूरी साड़ी मैंने कंप्लीट उसको फोल्ड कर लिया है, बैग में रख भी लिया है। ये देखिए, ये जो है ना, पूरी दो बैग मेरे फुल हो चुकी है इसमें और इसमें, और एक साड़ी ही रह गई जो उसे मैं बाद में रख दूँगी अलमारी में। और ये पूरी बैग मेरी फुल हो चुकी है। ये जो जितने भी साड़ी आप देख रहे हैं ना, जितनी भी साड़ी देख रही है मेरी पार्टी वेयर साड़ी है, मैं कभी कभी ही पहनती हूँ, इसलिए इसे अच्छे से बैग अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ये मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और पार्टी वगैरह में ही पहनती हूँ, तो ये कभी कभी निकलेंगे, इसलिए अच्छे से इसको रख लिया। और तो बस चलिए, शाम हो चुकी है और आज डेट है 4 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार। तो मैं आज शाम से ही अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो बस हो गया ये सब करने के बाद, चलिए अब चाय पीना है, 5 बजने वाले ही हैं, तो चलिए चाय बनाते हैं और पीते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी, तो शाम का चाय है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए, मम्मी पापा के लिए चाय बनाऊँगी, और अपने बेटे के लिए साइड में दूध गर्म कर रही हूँ। वो शाम में दूध पीता है और दूध के साथ बिस्किट लेता है। तो बस यहाँ पे हम चाय बनाते हैं और शाम की चाय पीते हैं। पे मैं चाय पी रही हूँ और मैंने बेटे को अपने दूध हॉर्लिक्स दे दिया है, वो नीचे बैठ कर दूध पी रहा है और टीवी देख रहा है। मैंने उसे नीचे ही दिया है क्योंकि वो बहुत बार दूध फेंक चुका है, क्योंकि वो टीवी देखता है और टीवी देखने के चक्कर में दूध का ग्लास बहुत बार गिरा देता है, इसलिए मैं उसे नीचे ही देती हूँ कि वो गिराए ना। और मैं उसे बात कर रही हूँ और वो कार्टून देख रहा है और दूध पी रहा है, तो मैं उसे जल्दी जल्दी दूध पीने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि उसके बाद शाम में उसके 6 बजे ट्यूशन सर आते हैं, तो जल्दी से खा ले तो, और उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ने बैठेगा। तो यहीं बस मैं चाय पीती हूँ और उसके साथ मैं 2 बिस्कुट ले लिया है, क्योंकि वीडियो शूट किया था तो उसके बाद थोड़ी सी भूख हल्की हल्की लग रही थी, इसीलिए मैंने चाय और बिस्किट लिया है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट दिन वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मैंने वीडियो साड़ी का वीडियो का शूट किया था, उसके बाद मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी शाम की चाय
पीने तक मैंने आपके साथ आपका वीडियो बनाया था और उसके बाद रात को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने के पहले सारे रूम के जो बेड होते हैं मैं ठीक कर लूँगी, चादर वगैरह झाड़ लूँगी, इसमें धूल जो होते हैं उन्हें मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और तो बस यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई हूँ और यहाँ भी मैं सब बेड ठीक करूँगी। यहाँ देखिए बेड की क्या हालत हो रखी है, तो बस यहाँ खिड़की वगैरह मैं खोल दूँगी, पर्दे थोड़ा हटा दूँगी ताकि बेड पे भी थोड़ा सा धूप आए, और जो ब्लैंकेट और रजाइयाँ होती है मैं इसको एक साइड रखूँगी ताकि मैं जो बेड है उसको अच्छे से क्लीन कर सकूँ। तकिया वगैरह सब हटाऊँगी ताकि अच्छे से धूल जो है और चादर को ठीक कर सकूँ। यहाँ पर मैंने तकिया वगैरह हटा दिया है और चादर को टाइट करके हम आराम से दाब दूंगी और जो धूल है उसे मैं अच्छे से झाड़ूंगी। और ये जो दब देख रहे हैं झाड़ने का है उसे मैं अच्छे से बेड को अच्छे से धूल को झाड़ लूंगी। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो मैं यहाँ पे अच्छे से कोने कोने से झाड़ू लगाऊंगी और ये अच्छे से ऊपर मेरे रूम से लेकर नीचे तक जाऊंगी झाड़ू लगाते हुए। ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं नहाने के पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ और अपने रूम से लेकर बरामदे और नीचे रूम और बरामदे तक मैं पूरे में झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा रूम में झाड़ू लगाना हो चुका है और ये पे जो खिड़कियाँ हैं बरामदे में वो उसमें जो जाले पड़ जाते हैं साइड साइड में उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि जाले ना पड़े। और यहाँ से मैं झाड़ू लगाते हुए नीचे तक जाऊँगी और पूरे घर में मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो देखिए तो बस यहाँ पे मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, मेरा पोछा लगाना हो चुका है। मैंने पोछा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे नहा कर आ चुकी हूँ और जो मैंने कपड़े भिगोए थे साथ में वो सब मैंने धो लिया है नहाने के पहले, और यहाँ पे सब लेकर आ गई हूँ। और जो कपड़े कल के सूख रहे थे उन्हें मैं हटा दूँगी और आज जो धोया है वो सबको डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरा बेटा कैमरा के सामने मस्ती कर रहा है और वो वीडियो के सामने ब्लॉगिंग कर रहा है और बोल रहा है कि माँ कपड़ा धो चुकी है, कपड़े को डाल रही है, ऐसे करके वो अपने में ही बोले जा रहा है और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने बोल दिया। तो मैंने वहाँ पे नहीं किया क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, रोड है, गाड़ी चल रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, सुबह का काम हो चुका है और मुझे खाना बनाना है। तो खाना में मैंने दाल चढ़ा दिया है और चावल एक साइड हो रही है और मुझे बेसन की सब्जी बनानी है आलू और बेसन की। तो मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है, आलू बॉयल होने के लिए मैंने दे दिया है और प्याज टमाटर मसाला और बेसन सब रेडी कर लिया है। मैं इसको आगे आपको रेसिपी बताऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं बेसन की सब्जी, और खाने में बस यही है दाल चावल और बेसन की सब्जी है, तो उसकी रेसिपी आपको मैं बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्याज काटा है, टमाटर काटा है और मसाले में धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे बेसन का घोल तैयार किया है जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के इसको घोल पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करके दे दिया है, तो हाफ आलू बॉयल को करना है। तो बस यहाँ पर रेडी होते हैं बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए। उसके लिए पहले हमें बेसन का चीला बनाना है जो मैंने घोल तैयार किया था, और उसमें नमक मसाले जो मैंने मसाले का घोल तैयार किया था उसको मिक्स करके ये घोल बनाना है। और इसको तवा गर्म होने के बाद इस पे आपको बेसन का चीला बनाना है। तो इसके लिए हम देखिए बेसन का घोल इसमें डाल देंगे और अच्छे से धीरे धीरे इसको फैलाएँगे
जैसा आप चीला वगैरह बनाते हैं वैसे सेम ऐसे ही करना है। तो इसको अच्छे से धीरे धीरे फैलाना है, ये देखिए। तो बस इसको फैलाते हैं, और इसके लिए मैं गैस को थोड़ा कम कर दूंगी ताकि वो धीरे धीरे पके, और उसके साइड साइड में तेल को दे दूंगी ताकि साइड से किनारे से वो पक जाए, और आपको बीच में भी तेल थोड़ी सी देना है जिससे ये अच्छे से पकती रहे। और देखिए यहाँ पे कैसे धीरे धीरे पक रही है। यहाँ पे देखिए जो बेसन का चीला है वो साइड से किनारों से अपनी छोड़ने लगा है, तो उसे मैं धीरे धीरे इसको हटाऊंगी और धीरे धीरे ही, ताकि वो उसको ज़बरदस्ती ना करे, उसे आराम से पकने दे, नहीं तो वो पीस से टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वो अच्छे से पक चुका है, और इसे जैसे आप डोसा बनाते हैं वैसे आपको धीरे धीरे इसे फोल्ड करके बनाना है, और ये धीरे धीरे चिपकते जाएगा कि अब एक साइड का बेसन पूरा अच्छे से पक चुका है और एक से हाफ पका है, तो इसे आपको धीरे धीरे फोल्ड करते हुए इसको पकाना है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से पक चुका है, और इसे मैं हटा दूँगी, और ऐसे ही पूरे जो बेसन का घोल है आपको पूरे का बेसन का बना लेना है। उसमें जीरा दिया है, जीरा अच्छे से लाल हो जाए तो उसके बाद मैं प्याज को डालूंगी। तो यहाँ पे मैं प्याज को डाल दिया है, और इसे लाल होने तक पूरे प्याज को पकाना है और भूनना है आपको धीमी आंच पे। प्याज जब तक लाल ना हो जाए प्याज को आपको अच्छी तरह से टाइम देकर पकाना है। तो यहाँ पे हम प्याज को फ्राई करेंगे, और यहाँ पे देखिए प्याज अच्छे से लाल हो चुका है, और मैं मसाला डालूंगी। तो मसाला मैंने धनिया, जीरा, लहसुन, काली मिर्च और लाल मिर्च को पेस्ट किया है, और मिक्सर में उसे अच्छे से पीस लिया है। मैं पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, उसे खड़े मसाले को मैं पीस कर बना रही हूँ, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं तेल में मसालों को धीरे धीरे धीमी आंच पे पकाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ी बहुत 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी, और हल्दी के बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, जो कलर वाली कश्मीरी मिर्च होती है मैं उसे दूंगी, ये तीखी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मसालों से भून उसके बाद थोड़ी देर भूनने के बाद मसालों से तेल साइड में छोड़ना शुरू हो गया है। तो मसालों को धीरे धीरे धीमी आंच पे ही आपको पकाना है। टमाटर ऐड करूँगी, उसके और टमाटर बाद उससे मैं इसमें नमक डालूँगी ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा दे सकते हैं, और बेसन में भी आगे नमक पड़ा है तो आप इसको संभाल कर ही नमक दें। और इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और ग्रेवी इसकी थोड़ी अच्छी बने। और यहाँ पे देखिए टमाटर को अच्छे से पकाना है, और यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छे से तेल पक चुका है, और इसे साइड साइड में तेल छोड़ना शुरू हो चुका है, मतलब टमाटर भी गल चुका है और मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी में आलू को ऐड करूँगी, जो आलू मैंने हाफ बॉईल करके रखा है, इसे ओवर कुक नहीं करना है, इसे हाफ बॉईल करके ही मैं आलू को रखी थी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मसाले के साथ पकाना है ताकि आलू में भी मसाले का टेस्ट अंदर तक पहुँच सके, और यहाँ पर थोड़ी देर आपको मसाले के साथ भुनना है। यहाँ पे आलू अच्छे से पक चुका है मसाले के साथ, और मसाले से अच्छी खासे तेल साइड से छोड़ना शुरू हो चुका है, मतलब मसाले भी और आलू अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, तो पानी आप अपने हिसाब से दें, जितना आपको इसका झोल रखना है या ग्रेवी रखनी है पतली या गाढ़ी रखनी है उसके हिसाब से दें। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, तो मुझे इतना रखना है, तो इससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूँगी ताकि ग्रेवी अच्छे से पके और पानी कच्चा ना रहे। तो पकने के बाद मुझे जितनी चाहिए मैं उतने पर ही गैस बंद करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने पानी दे दिया है, और इसे थोड़ी देर 2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए मैं उतने पर गैस उसको बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी रेडी है, और उसके बाद जितने जो उसका पानी है सूखने के बाद मैं ये बेसन का जो चीला है मैंने इसे छोटे छोटे पीसों में काट दिया था, और उसे मैं अच्छे से उसमें डाल दूंगी, और उसको पकाना नहीं है, यहाँ पे गैस बंद करके आप इसे मिक्स करना है ताकि ये ओवर कुक ना हो, क्योंकि ये अच्छे से नरम है तो ये फट जाएंगे। तो बस ये इस तरह की सब्ज़ी मेरी रेडी है, और बस तो यहाँ पे आप गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं। और तो बस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो से ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।